नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए, किस समस्या के समाधान के लिए आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जो उनकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए किस भगवान की पूजा करें, तो आज उसका आंसर पंडित जी से मिल जाएगा। और साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः काल 9:43 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, जीवन में हर कोई चाहता है कि उसे मान सम्मान की प्राप्ति हो। हर आदमी की दिली इच्छा होती है, तो मान सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? प्रवीण जी, आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जैसी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किस देवी या देवता की उपासना करनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आहार के बाद और बेसिक जरूरतों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मान सम्मान। मान सम्मान के लिए किस देवता की पूजा करें और कैसे पूजा करें कि लाभ हो जीवन में। मान सम्मान के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। सूर्य देव की उपासना सबसे ज्यादा बेहतर है। रोज सवेरे तांबे के लोटे से, तांबे का लोटा ना हो तो कांसे का, पीतल का, स्टील का कोई भी लोटा हो, उससे सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिए और जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर जरा जरा सी रोली लगी रह गई है। इस रोली का तिलक अपने कंठ पर या अपने मस्तक पर लगाएं और ये प्रयोग, ये उपाय आप लंबे समय तक करते रहें, यानी लंबे समय तक सूर्य पूजा आप करते रहें, आपका मान सम्मान और आपका नाम और यश निश्चित रूप से जीवन में बढ़ेगा। साथ में अगर सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो इससे आप किसी भी तरह के अपयश से बच जाएंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, चोट चपेट से आज बचाव करिएगा। धन के खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। बड़ों की सलाह मान करके अगर आज चलें तो जीवन में सुधार होगा। शनि मंत्र का आज 108 बार जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। साल 2024 में
मेष राशि के लोगों को संतान पक्ष की तरफ से चिंता नहीं करनी पड़ेगी, संतान पक्ष की विशेष उन्नति अवश्य होगी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा होगा? वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। साल 2024 में वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, रुका हुआ काम आज पूरा होगा, रोजगार में सफलता मिलेगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। साल 2024 में मिथुन राशि वालों को संपत्ति का लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को विवाह में परेशानी होती है, उम्र बढ़ने लगती है, शादी नहीं हो पाती है, तो विवाह के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? देखिए, विवाह में दो बातें हैं प्रवीण जी, स्त्री का विवाह और पुरुष का विवाह। किस देवी देवता की पूजा करने से स्त्री का विवाह होता है और किस देवी देवता की पूजा करने से पुरुष का विवाह होता है, इसको समझते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में बेवजह का विलंब है, तो क्या करेंगे? विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है, चाहे बात पुरुष के विवाह की हो या महिला के विवाह की हो। रोज सवेरे सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने घी का एक दीपक जलाएं, इसके बाद देवी को लाल फूल अर्पित करें। स्त्रियां चाहें तो सिंदूर चढ़ा सकती हैं और फिर माता दुर्गा का जो मूल मंत्र है, बेसिक मंत्र है, ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा, आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएगा। आप पुरुष हो या स्त्री हो, आप नियमित रूप से इस मंत्र का जप करिए, आपका विवाह होना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला। साल 2024 में कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्याओं से, दुर्घटनाओं से बचाव करना होगा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आज आपके रुक सकते हैं, वाहन आज सावधानी से चलाएंगे, ऑफिस में विवादों से बचाव करेंगे। 108 बार अगर शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। साल 2024 में सिंह राशि वाले बीमारी को लेकर के वहम मत पालें। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी आपको, लेकिन बेवजह बीमारियों की चिंता मत करिएगा। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बहुत बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। साल 2024 में कन्या राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान दें, मैरिटल लाइफ में लापरवाही ना करें। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको ये बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं उनका समाधान होता है। तो आज का ऐसा क्यों भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने सवाल भेजना चाहते हैं वो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिख करके ईमेल आईडी बता रहे हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेज दीजिए अपनी बर्थ डिटेल के साथ और उन्हीं सवालों में से एक सवाल पंडित जी कार्यक्रम में लेते हैं हर दिन। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं रोज, लेकिन जैसा प्रवीण जी ने निवेदन किया मैं भी निवेदन करता हूं कि आप पूरा विवरण भेजिए, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। बहुत लोग समय लिखना भूल जाते हैं, बहुत लोग स्थान नहीं लिखते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। इसीलिए जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान तीनों देखिएगा, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज का जो प्रश्न है वो अंबुज शर्मा जी ने हमें लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 4 जुलाई 1983 का जन्म है, 6 बजे शाम को, डिबाई, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी में तरक्की कब होगी और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अंबुज जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में सुधार, नौकरी में उन्नति, इसकी संभावना अप्रैल 2024 के बाद बन रही है। अप्रैल 2024 के बाद अगर आप प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति जो आपकी पूरी तौर से बहुत अच्छी हो जाएगी,
वो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी कुंडली में साल 2025 से दिखाई दे रही है। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को प्रातः माणिक्य बनवा करके पहन लीजिए। दूसरा, नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किस देवी देवता की पूजा करें। साथ ही आपको बता दें, ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में हमारे दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। तो पंडित जी, एक सबकी मनोकामना होती है, जैसे ही लोग पढ़ाई पूरी करते हैं, कि अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आज के समय में नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो अच्छी नौकरी की प्राप्ति के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? प्रवीण जी, देखिए, नौकरी कोई भी हो दुनिया में, छोटी हो, बड़ी हो, उच्च स्तर की हो, निम्न स्तर की हो, उसके पीछे होता है शनि। तो अगर नौकरी आप पाना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, तो नौकरी के लिए किस देवता की पूजा करेंगे? नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अब पूजा करेंगे कैसे? शनिवार का उपवास रखेंगे, सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालेंगे, शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, इसके बाद वहीं पर शनि मंत्र का जप करेंगे, दिन भर केवल जल और फल का सेवन करेंगे, रात में पूजा करने के बाद उड़द की दाल की खिचड़ी आप खाएं और आप खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यानी अगर आप नौकरी वाले मामले को अच्छा करना चाहते हैं, नौकरी वाली मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शनिदेव की पूजा करना बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किस देवी देवता की पूजा हमें करना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि बिजनेस करें और व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, तो बिजनेस में सफलता के लिए, व्यापार में सफलता के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? प्रवीण जी, वैसे तो बहुत सारे तरीके के व्यापार हैं और हर तरीके का व्यापार अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मोटे तौर पे ओवरऑल जो व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, बताता है व्यापार के बारे में, वो होता है बुध यानी मरकरी। तो अगर आप व्यापार में सफलता चाहते हैं, किस देवता की पूजा करेंगे? व्यवसाय के लिए बुध ग्रह को मजबूत करें और माता लक्ष्मी की उपासना करें। कारोबार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र लगाएं। रोज सुबह जब काम शुरू करने जा रहे हैं तो रुई में इत्र लगा के मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर वही इत्र स्वयं को लगा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको व्यवसाय में अवश्य ही सफलता मिलेगी। इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर अगर आप रहें तो शुक्र वाला पार्ट आपका मजबूत होगा। और एक बात जाने रहें कि व्यापार में अगर घाटा बहुत हो रहा है, व्यापार में अगर दिक्कतें बहुत हो रही हैं, तो गाय को या किसी पशु को हरा चारा या हरी पालक, खासतौर से गाय को अगर आप खिलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की आपको प्राप्ति होगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा
नीला। साल 2024 में तुला राशि के लोग नौकरी के मामले में कोई रिस्क नहीं लेंगे, वरना नौकरी में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, सेहत में आपके सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में अगर आज जल अर्पित कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। साल 2024 में वृश्चिक राशि के लोग पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखेंगे, पारिवारिक विवादों से बचाव करेंगे। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही मत करिएगा। आज शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जितना जप करें दिन आपका उतना ही बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। साल 2024 में धनु राशि वालों को रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमें किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और आयु लंबी हो, तो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? ज्योतिष में आयु कारक मानते हैं शनि को, इसलिए अगर आयु की समस्या है तो शनि की एक तो पूजा करिए शनि ग्रह की, और दूसरा आयु और स्वास्थ्य के रक्षा करने वाले देवता हैं भगवान शिव, तो अगर भगवान शिव की भी पूजा की जाए तो उससे भी काफी लाभ की संभावना बन जाती है। आप अपने आयु की रक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, किसकी पूजा करेंगे? आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना करना अच्छा होगा। रोज सवेरे भगवान शिव को पंचामृत, दूध दही शक्कर शहद और घी, ये मिला करके पंचामृत का भोग लगाएं और इसके बाद उन्हें जल जरूर चढ़ाएं, और एक मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये प्रयोग करने वालों की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है, और खास तौर से जो लोग वृद्ध हैं, घर में ही रहते हैं, कोई ऐसा विशेष काम नहीं है, वो इस मंत्र को सुबह शाम रात तीनों टाइम पढ़ें, उससे उनकी आयु लंबी होगी, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। बाकी सामान्य लोग अगर इस मंत्र को सुबह शाम पढ़ ले तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों है जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं उस समय पैरों पर जो जल गिर रहा है उसके छींटे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई जल चढ़ा रहा है और छींटे पड़ रहे हैं
तो उसे क्या करना चाहिए? प्रवीण जी देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना आध्यात्मिक प्रक्रिया बाद में है, पहले वो साइंटिफिक प्रक्रिया है कि जल के माध्यम से सूर्य की रोशनी आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसका एक पूरा साइंस है। साइंस ये है कि सुबह उठ करके नहा धो करके आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अब पैरों पे छींटे पड़ेंगे, अगर आप सामने कोई चीज नहीं रखते हैं तो फिर जमीन पे जल गिरेगा, पैरों पे छींटे जरूर पड़ेंगे, उसे रोक नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर आपके पैरों पर छींटे पड़ रहे हैं तो उसको ले करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हां, अगर आप चाहें तो सामने एक बाल्टी रख दें और इस तरीके से जल चढ़ाएं कि सारा पानी बाल्टी में गिरे, बार में उस बाल्टी के पानी को ले जाके पौधों में डाल दें, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय पैरों में छींटे पड़ जाते हैं तो ये कोई अपशकुन नहीं है, कोई अशुभ घटना नहीं है, कोई अशुभ बात नहीं है जिसकी चिंता की जाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे लोग कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाते हैं, बार बार जो है कोर्ट आना जाना पड़ता है और वो चाहते हैं इससे मुक्ति मिले। कुछ लोग जो है कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं और कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनकी उपासना करने से इनसे राहत मिले? अगर आप मुकदमे से परेशान हैं, कोई मुकदमा लंबे समय से चल रहा है, आप उसे झेल रहे हैं, या कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज को लेकर के परेशान हैं, तो कौन सा उपाय करेंगे? मुकदमेबाजी से बचने के लिए, कर्ज को समाप्त करने के लिए आपको मुख्यतः हनुमान जी की उपासना करनी है। रोज सुबह और रोज शाम हनुमान जी की उपासना करें। रोज सुबह हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे, बहुत अच्छा होगा। महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, महिलाएं केवल लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, फिर एक बार ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का शाम को 108 बार जप करें। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो इससे आपको कर्ज से और मुकदमे से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर आप जानबूझकर गलती करके फंस गए हैं तो उसमें राहत नहीं मिलेगी। अनजाने से फंस गए हैं, कोई आपकी संस्कारगत समस्या है, कोई प्रारब्ध की समस्या है, दूसरे के चक्कर में फंस गए हैं, तब ये उपाय करने से आपको कर्ज और मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल पाएगा। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। साल 2024 में मकर राशि वाले इमोशनल प्रॉब्लम से बचने का प्रयास करें। भावनात्मक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। साल 2024 में कुंभ राशि के लोग अपने रूटीन को, अपने जीवनचर्या को सुधारने का प्रयास करें तो उनके लिए अच्छा होगा। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा आपको, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। साल 2024 में मीन राशि के जो लोग हैं वो अपने विवाह के मामलों में, विवाह के निर्णयों में सावधानी रखेंगे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का, तो पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके लिए यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, धन का लाभ होता हुआ भी इस समय आपके लिए दिख रहा है। नंबर 3, आज आपके रुके हुए तमाम काम बड़ी आसानी से बन जाएंगे। नंबर 4, काम बढ़ा रहेगा और काम के बोझ से परेशानी भी होगी। नंबर 5, स्वास्थ्य की चिंताओं में, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 7, यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 8, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। नंबर 9, करियर में कोई नया अवसर, कोई नया मौका आपको इस समय में मिल सकता है। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? शुभ पहर का, भाग्य का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके रोजगार की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, उसका पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिन भर के कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज भाग्य चक्र में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।